वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग अक्षय गेम प्ले। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए लेके माइनक्राफ्ट में फिर से गोर्डन पार्ट 2। हुरे! सो चलते हैं अपने हम लोग गॉड वर्ल्ड में। यहाँ पे हो रहा है हमारा वर्ल्ड लोड, जैसे कि सबको पता है। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन माइनक्राफ्ट खेलता है और कौन कौन रोब्लॉक्स खेलता है। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे मैं उन सबको हार्ट दूंगा। वैसे सभी को हार्ट दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग मेरी टीम है। और हम लोग आ गए हैं एग्ज में। एग्ज में आके हम लोग को लेना है, थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं सारे गार्ड्स। ये हमारे विट्ठल भगवान, इस बार आपको देख के बहुत मजा आएगी। ये सीता माता है, बहुत अच्छे अच्छे हैं यार। आपको नहीं पता, मुझे पता है, अभी आपको पता चलेगा। रुक्मणी जी का, और ये देखिए बहुत सुंदर चीज है ये तो भाई। और इसमें से थोड़ी बहुत चीजें तो मैं आपको दिखा चुका हूँ जो पिछली बार मेरे पार्ट 1 में दिखाई थी। और ये गणपति बप्पा, और ये मूषक जी, इन लोग को हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे एंड अब हम लोग सर्च करेंगे रुक्मणी देवी। आर यू के किधर है? रुक्मणी देवी ये है हमारी श्री विट्ठल भगवान की पत्नी, जैसा कि सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज पता चल गया। तो ये हम लोग ले लेते हैं आज गोल्ड पे, सबको खड़ा करेंगे गोल्ड। एंड ये देखिए, सबसे पहले हम लोग विट्ठल जी से शुरुआत करते हैं। ये हमारे विट्ठल जी हैं एंड ये हमारी रुक्मणी देवी हैं, जिनको रुक्माई भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत पूजे जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे आएंगे तिरुपति बालाजी। ये देखिए कितना सुंदर बनाया, आप देख सकते हैं इतना क्यूट क्यूट सा बनाया, तिलक बनाया, ऐसे माला पहने हुए हैं। यहाँ पे भी इनको भी बहुत सुंदर बनाया है। एंड अब आएंगे हमारी गायत्री, हटना तू गाय को है बे, गायत्री माता। जिन जिनको नहीं पता है गायत्री माता कौन होती है, तो ये जो ओम भूर्भुवस्वः मंत्र है वो इनका ही मंत्र है। और ये सारी देवियों में सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से गायत्री माता को बनाया है इन्होंने। और इनमें कोई पोज देखता हूँ है कि नहीं, इनमें कोई पोज नहीं है, इनमें कोई पोज नहीं है। और इन दोनों में भी कोई पोज नहीं है। एंड अब हम लोग हमारे साथ आएंगे राम जी। रुकिए जरा, राम जी, सीता जी एंड लक्ष्मण जी। तो हम लोग लेके आते हैं राम जी लोगों को। एंड यहाँ पे ऐसे ये इन रख देते हैं यहाँ पे, इन्हें यहीं पे। एंड ये हमारे लक्ष्मण जी, गणेश जी, मूषक जी एंड हनुमान जी। ये हमारी सीता माता, ये हमारे हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये हमारी देवी सीता एंड ये हमारे श्री लक्ष्मण जी। और यहाँ पे आएंगे हमारे हनुमान जी, ऐसे रखना है। सॉरी मैंने गलत स्पॉन कर दिया थोड़ा।
तय करता हूँ सीता जी और लक्ष्मण जी को। यस, थोड़ा पीछे और करना पड़ेगा हनुमान जी के लिए। यहाँ पे हमारे हनुमान जी आ गए, संकट मोचन हनुमान जी। एंड ये है इनका फर्स्ट पोज, श्री राम को नमस्कार करते हुए। एंड लक्ष्मण जी में कोई पोज नहीं है, राम जी में एक ये पोज है, सॉरी लक्ष्मण जी में भी है, नहीं है लक्ष्मण जी में नहीं है। एंड सीता माता में भी पोज नहीं है, सिर्फ श्री राम जी में है पोज। एंड बारिश भी आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन हमारे आते हैं गणपति बप्पा। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज हनुमान जी की अभी दिखाऊंगा, वो दिखाना भी भूल गया, बहुत अच्छी चीज है ये तो। उसमें ये जो गणेश जी के सभी मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है, मुझे याद तो नहीं है कितने होते हैं, पर उन्हीं में से ये एक है। एंड ये मैं मूषक जी की बात कर रहा था अपने फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे मूषक जी आ गए हैं, देख सकते हैं इनके में पोज है, ये गणेश जी को नमस्कार करते हैं। एंड गणेश जी में कोई पोज नहीं है। एंड अब हम लोग हनुमान जी के सारे पोजेस दिखा देते हैं। इसमें हनुमान जी के पूरे 13 पोजेस हैं। फर्स्ट पोज है हनुमान जी का, ये सेकंड पोज जैसा कि आपने देखा ही होगा मैंने दिखाया था, एंड ये थर्ड पोज है, एंड ये फोर्थ उड़ता हुआ पोज, ये फिफ्थ राक्षसों का वध करता हुआ, एंड ये सिक्स्थ राम नाम के जाप में खोया हुआ, सेवेंथ भी राम नाम के जाप में खोया हुआ, ऐसे पीछे चक्र घूम रहा है राम राम को, और यहाँ पे ये देखिए हनुमान जी उड़ रहे हैं। एंड ये एट्थ पर्वत उठाते हुए जड़ी बूटी वाला राम, जिनसे इन्होंने लक्ष्मण जी को सही करा था। एंड ये देख सकते हैं आप लंका में आग लगाते हुए टाइम, पीछे इनकी आग है पूछ में लगी हुई है, लंका दहन का टाइम। एंड ये इनका नॉर्मल खड़े वाला पोज है, ये भी नॉर्मल ही पोज है, एंड ये नॉर्मल ऐसे ही पोज है, इसमें घूम रहे हैं, और ये भी वध करने वाला है, और ये आशीर्वाद देते हुए एक पोज। अच्छा फिर से वही शुरू हो गया। एंड गाइस ये थे वो पोजेस और पार्ट टू के सारे गॉड एडॉन्स के गॉड। गाइस आप देख सकते हैं सीधे राम जी के ऊपर, अच्छा हुआ बिजली नहीं गिरी, जस्ट यहाँ पे बिजली गिरी है राम जी के यहाँ पे। अभी तक मेरा फेस रिवील हो गया होता, आप मेरा रिएक्शन ऐसा देखते ना इस टाइम पे तो। एंड गाइस थैंक यू फॉर आवर 100 प्लस सब्सक्राइबर फैमिली। सो हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी देर में आप लोग से क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, इसमें मैंने वीडियो बनाई पर सब्सक्राइबर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी भी और थैंक यू भी। एंड गाइज मेरी गॉड एडॉन पार्ट वन वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्लीज़ पार्ट टू बनाइए, प्लीज़ पार्ट टू बनाइए, तो आपकी विश हो गई पूरी, मैंने बना दिया पार्ट टू। सो आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।